हेलो दोस्तों, स्वागत है दीदी की रेसिपी में। मैं पूनम आज लेके आ गई हूँ माइक्रोनी पास्ता की रेसिपी। तो फटाफट रेसिपी स्टार्ट कर ले, लेट्स गो। माइक्रोनी पास्ता बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच पानी। गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पे देख लीजिए सब्जियां मैंने क्या ली है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है, हरी मिर्च ली है इसे मैंने बारीक काट लिया है, धनिया लिया है और मैंने पत्ता गोभी, यहाँ पे दो मैंने कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्ची और यहीं पे मैंने कुछ मटर ले लिया है। तो एक कटोरी मैंने मटर लिया है और मैंने यहाँ पे अदरक को अच्छे से कूट लिया है और लहसुन को, और मैंने यहाँ पे दो बड़े प्याज लिए हैं। तो ये सब्जियाँ डाल के मैं पकाने वाली हूँ। आपके पास जो मनपसंद आपकी सब्जी हो आप वो डाल सकते हैं, जैसे गाजर वगैरह। तो देखिए दोस्तों पानी गर्म हो रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दे रही हूँ। तो आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है तो मैं माइक्रोनी को डाल दे रही हूँ इसके अंदर। हल्का सा चला देना है इसे। तो देखिए दोस्तों जब तक ये उबल रहा है यानी कि पक रहा है तब तक हम यहाँ पे सब्जियाँ फ्राई कर लेते हैं और ये माइक्रोनी पास्ता को चलाते ही रहना, ये नहीं भूलना है। तो देखिए दोस्तों पास्ता हमारा पक के रेडी हो चुका है। इसे उंगलियों से थोड़ा दबाएंगे, ये देखिए ये दब रहा अच्छे से, टूटने लगा है तो इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। तो इसे हम अलग कर लेंगे, ये देखिए। तो मैं इसे छान ले रही हूँ तो ये देखिए कितना मस्त बना ये। तो मैं सभी माइक्रोनी पास्ता को छान ले रही हूँ, ये देखिए कितना खिला खिला बना है। अरे दोस्तों ये अच्छे से पक गया, इसे साइड में रख देते हैं। अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, तेल को गर्म होने देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी अदरक के बाद इसमें लहसुन भी डाल देना अच्छे से। और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें ये प्याज। सब्जियों को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का हल्का पकाना है। तो देखिए दोस्तों गैस का फ्लेम तेज रहना चाहिए। मैं इसमें डालूंगी पत्ता गोभी और साथ ही मैं डाल दूंगी ये कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्ची। तेज आंच पे पका लेना है, कुरकुरा बना लेना है इसे। गैस का फ्लेम याद रहे कि तेजी रहे। तो सब्जियों को हल्का सा क्रंची बनाना है। मटर इसे भी डाल देना है, साथ में पकेगी ये। तो मैं इसमें मिर्ची और टमाटर ये दोनों डाल दे रही हूँ और अच्छे से पकाना है इसे। देखिए कितनी सब्जियां कलरफुल हो गई है, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों सब्जियों को अच्छे से पका लेना है। सब्जियों को पकाना है थोड़ा, ज्यादा नहीं, हम देखते हैं मटर पका है कि नहीं। तो थोड़ा सा और पकाना है इसे, एक से दो मिनट पकने देते हैं। इसमें एक चम्मच में हल्दी डाल दे रही हूँ, दो चम्मच में गरम मसाला डालूंगी, आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं, और अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डालना है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैंने डाला है और साथ ही मैं एक चुटकी इसमें काली मिर्च पाउडर डालूंगी, इससे टेस्ट लाजवाब हो जाएगा। अच्छे से मिला लेना इसे। तो देखिए दोस्तों सब्जी हमारे अच्छे से पक गई, तो मैं इसमें दो चम्मच टमाटो सॉस डाल रही हूँ। आप अपने इसमें मनपसंद की सॉस भी डाल सकते हैं और मैं दो चम्मच इसमें सोया सॉस डालूंगी। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने और इसी स्टेज पे हमें ये माइक्रोनी डाल देना है। तो देखिए ये मैं डाल रही हूँ, बस इसे दो मिनट के लिए और पकाना रहेगा।
तो ये मेरे घर पे एक कढ़ाई भर के मैक्रोनी बनी है, तो मैंने यहाँ पे 10 लोगों का बनाया है कम से कम, तो उसी मेजरमेंट से आप भी बना लीजिए। ये देखिए कितना लाजवाब लग रही है, एकदम खिले खिले, एक भी चिपके नहीं है। ये देखिए कितनी मस्त बनी है। तो देखिए दोस्तों, आखिरी में मैं इसमें धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ, और ये पक गया है तो गैस को कर देना है बंद। ये हो गया बंद, अब इसे सर्व कर देना है। मजेदार मसाला माइक्रोनी पास्ता रेडी है। तो देखिए दोस्तों, माइक्रोनी पास्ता को मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, लग रहा है ना माउथ वाटरिंग। तो रेसिपी का नोट करिए फटाफट। तो अगर तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तभी तो मिलेगी मेरी रेसिपी आपको फटाफट। तो दोस्तों, यहाँ पे सबके लिए सर्व हो रहा है। देखिए, हम इस प्लेट में सर्व कर रहे हैं, तो इस प्लेट में खाने का ना मजा एकदम मार्केट के जैसा आ जाता है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आप लोगों को क्या, आप लोगों को भी खाना है तो आ जाइए हमारे घर पे। तो हमने यहाँ पे तस्तरियां सजा ली है। देखिए दोस्तों, इतनी सारी प्लेटें लग चुकी है, तो प्लेटें लग चुकी है, हम खाने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, माइक्रोनी पास्ता बन के रेडी है। एक थाली आपके लिए भी है, तो जल्दी से एक बेड आपके लिए, एक बेड मेरे लिए। कमेंट लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो पे पहली बार आए, अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए जल्दी से, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। बढ़िया बना रहा, तो बाय कर दीजिए। बाय बाय बाय।